सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोल में शबाना और आज का ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो टॉक्सिन रिलेशनशिप से परेशान हैं, बहुत परेशान हैं कि एक फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन प्यार नहीं है, एक दूसरे से जलते हैं, जेलस है और एक दूसरे को कहते ना एक फूटी आंख भी नहीं भाते हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी को जो है टीज करते हैं, या कोई ना कोई इस तरह की जो है आर्ग्यूमेंट्स होती रहती हैं जिससे कि घर का एटमॉस्फेयर खराब रहता है। हर कोई चाहता है कि उनका घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब किसी से भी वो मिलें, किसी से भी बातचीत करें तो एक मिठास होनी चाहिए, स्पेशली घर में, स्पेशली जीवन साथी के साथ, स्पेशली जीवन साथी के माता पिता के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। चलिए, ये तो हैं हम इंसान जो कि रिश्तों में बंधे तो होते हैं, क्योंकि पता है कि जो है शरीर से नाखून आप अलग नहीं कर सकते, आप एक हाथ की उंगलियां हैं तो आप उंगलियां जुदा नहीं हो सकती, लेकिन ये नहीं समझते कि उंगलियां अगर बंद हो जाए तो मुट्ठी होके मजबूत हो जाती हैं। हमें सीख लेनी चाहिए मधुमक्खियों से। मधुमक्खियां क्या करती हैं, वो छत्ता बनाती हैं, उसमें मधु इकट्ठा करती हैं और फिर उसके बाद उसमें एक रानी मक्खी होती है, वो सबको अलग अलग काम जो है नियुक्त कर देती हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, फिर वो सब के सब मेहनत करती हैं, फूलों से जाके मधु इकट्ठा करती हैं, हनी इकट्ठा करती हैं, फिर अपने छत्ते में उसको स्टोर करती हैं, उसके बाद प्यार से रहती हैं। लेकिन अगर उनके छत्ते को कोई हाथ लगा दे तो उसको छोड़ती भी नहीं है। तो आज का उपाय इसी से मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको क्या करना है अपने रिश्तों को मधुमक्खी की तरह, जैसे वो अपने रिश्तों को मिठास से बांध के रखती हैं, करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और बेल आइकन बटन जहाँ पे ऑल लिखा है वहाँ पे क्लिक करिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास जैसे ही मैं पोस्ट करूँ आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आते हैं हम रेमेडी पे। कहीं पे भी पार्क में, गार्डन में या कहीं पे भी अगर आपको मधुमक्खी का छत्ता मिले, वो छत्ता नहीं जिसमें कि मधुमक्खियां हैं और वो शहद इकट्ठा कर रही हैं, अगर आपने उसको छेड़ा तो वो तो फिर आपको छेड़ देंगी, तो आप बस छिड़िएगा, क्योंकि उनका छेड़ना तो फिर आपको मुंह हाथ नाक सब कुछ लाल पीला कर देगा और ऐसे सूज जाएंगे उनके प्यार से आप, तो वो मत करिएगा। आप कहीं पे अबैंडेंड अगर कहीं पे छत्ता पड़ा हुआ है तो आप उसको अपने साथ घर ले आइएगा, ठीक है, उसको अपने साथ घर में ले आइएगा और उसको एक लाल रंग के एक छोटे से कपड़े में या बड़े से कपड़े में, जितना बड़ा आपका छत्ता है, वैसे तो छोटा सा ही पीस लेके आना है, उसके अंदर उसको रख कर आपको उसको अपने मंदिर में रखना है। हाँ, और जैसे बाकी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं वैसे ही उसकी भी पूजा करनी है रोज। आप इसको करिए और साथ में चैंट करिए, टुगेदर बी हाइव लव रिस्टोर नाउ डन, टुगेदर बी हाइव लव रिस्टोर नाउ डन, सिंपल सा स्विचवर्ड फ्रेज है। या फिर अगर आप मंदिर में नहीं रख सकते, सपोजिटली नहीं रख सकते, तो अपने घर में किसी भी एक अच्छे साफ सुथरी सी जगह पे आपने उसको लाल कपड़े में बांध के उसको रैप करके किसी अलमीरा में रख सकते हैं या किसी साफ सुथरी जगह पे आप रख सकते हैं, या फिर अपने जो मेन दरवाजा है उसके पास उसको लाल कपड़े में बांध के उसको चौखट पे बांध सकते हैं।
और समय समय पे उसको धूप बत्ती दिखा सकते हैं। आप इसे करके देखिए और देखिए धीरे 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 आपके रिलेशनशिप्स में मधुरता आने लगेगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मधुमक्खी जो है इकट्ठा होती हैं, बीहाइव बनाती हैं और मधु इकट्ठा करती हैं, बिल्कुल आप लोगों की लाइफ भी वैसे ही मीठी हो जाएगी। और जो मैंने आपको स्विचवर्ड फ्रेज बताया है, उसको आप लिख कर अपने घर के मेन डोर पे या कहीं पे भी आप उसको अपने जहां पे भी आपको लगता है घर में किसी भी वॉल पे आप उसको चिपका सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ये स्विचवर्ड फ्रेज और साथ में ये छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव, आपकी फैमिली में एक अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता कायम कर देगा। अब आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा और जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा इस जो रेमेडी मैंने आपको बताई है। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, थैंक यू सो मच।